राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूँ प्रद्योत, आज फिर से आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज हम फिर से पढ़ेंगे, आज फिर से चर्चा करेंगे, फिर से कुछ नया सीखेंगे जो हमारे लिए होगा बेहद खास, हमारी परीक्षाओं के लिए होगा बेहद इम्पोर्टेंट और हमारे ज्ञान के लिए, हमारे विद्वत्ता के लिए, हमारी योग्यता के लिए होगा बेहद खास। चलिए, कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा चाहे कहीं भी कोई भी हो, पर्यायवाची अधिकांश परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं, तो हिंदी की जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आजकल परीक्षाओं की बाहर चल रही है और विशेष रूप से बिहार की परीक्षाओं में हिंदी के जो परीक्षार्थी हैं, बिहार में फॉर्म भरना चाह रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद खास वीडियो है। विशेष रूप से बाकी उत्तर प्रदेश एवं अन्य हिंदी भाषी राज्यों के लिए तो उपयोगी है ही। तो बिहार में 6-8 TGT PGT, उत्तर प्रदेश में TGT PGT TET सुपर TET UPP, उत्तर प्रदेश पुलिस के विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास है, BDO के विद्यार्थियों के लिए भी है, MP वर्ग 2 RPSC वर्ग फर्स्ट सेकंड ग्रेड, हिमाचल प्रदेश हरियाणा टेट जो भरा जा रहा है TGT PGT के लिए, पहली बार टेट हो रहा है, ठीक है, KBS NBS DSSSB, इन सारी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी पात्रता परीक्षाएं एवं अन्य ऐसी सभी परीक्षाएं जैसे पैट है या अन्य कोई भी परीक्षा है, LT ग्रेड है, ठीक है, उत्तराखंड की या अन्य किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा जहाँ हिंदी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उन सारी परीक्षाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा और आपको प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी, और जो प्रश्नोत्तरी हमने आपको दी हैं वो लगभग 39 प्रश्नोत्तरी आपको दे दी हैं, ये 40वीं प्रश्नोत्तरी है, ठीक है। टॉपर से सीखो, टॉपर बनना, बिल्कुल प्रद्योत गुरुकुल में यदि आप जुड़ोगे और प्रद्योत गुरुकुल से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि टॉपर की लिस्ट में आपका भी नाम होगा। जो टॉपर होंगे, परीक्षा चाहे कोई भी हो, उन टॉपर्स की लिस्ट में भी आपका नाम होगा। तो चलिए, इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ी सी हम कंटेंट पर बात करेंगे, फिर बात करेंगे प्रश्नोत्तरी पर। कंटेंट पर हम ये बात करना चाहते हैं कि हम पर्याय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है, पर्याय या पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इस पर हम एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं आपके लिए। तो पर्याय किसे कहते हैं? जो शब्द लगभग एक जैसा अर्थ व्यक्त करते हैं तो उन्हें पर्याय कहते हैं। वैसे व्याकरणों ने ये बताया है, व्याकरण का मतलब जो व्याकरण जानता हो, ठीक है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? जो व्याकरण का ज्ञाता हो, ज्ञाता हो, जानकार हो, उसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरणों ने यह बताया है कि एक शब्द कभी भी दूसरे शब्द का पूर्ण पर्याय नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे आप कोई भी शब्द हैं, जल है, वार है, तो है, इस तरह के जो शब्द आप प्रयोग में देखते हैं तो वो लगभग एक जैसे माने जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। हम आपको भेद पूछ रहे हैं, पर्याय के भेद कितने हैं? यदि भेद की बात की जाए तो पर्याय के भेद कितने हैं? तीन। अब बताओ, कमेंट करके बताओ, पर्याय के तीन भेद कौन कौन से हैं? पर्याय के तीन भेद, तीन संख्या तो हमने बता दी, आपको ये बताना है कि तीन हैं कौन कौन से, बताओ। चलो, हम आपको बताते हैं। देखो, पूर्ण पर्याय कौन सा? पूर्ण पर्याय। दूसरा, पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण मतलब पूर्ण अपूर्ण पर्याय, ठीक। और तीसरा, अपूर्ण पर्याय। ये तीन भेद होते हैं पर्यायवाची। कितने भेद होते हैं? तीन। यहां पर एक बात और आपको बता दें कि पर्यायवाची के जो समानार्थक शब्द हैं वो भी आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं पर्यायवाची शब्दों को और किस नाम से पुकारते हैं या और किस नाम से हम समझ सकते हैं। तो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उन्हें तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यार्थक, ठीक। पर्यायवाची शब्दों का एक नाम तुल्यार्थक शब्द भी है। क्या है? तुल्यार्थक। तुल्यार्थक का मतलब तुलना करने वाले और समान अर्थ देने वाले, ठीक है।
दूसरा अर्थ क्या है, इन्हें समान अर्थ देते हैं, इसलिए इसे समानार्थक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थक। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं समानार्थक। ठीक है, समानार्थक शब्द। ठीक, अब देखो पर्यायवाची कह लो या तुल्यार्थक कह लो या समानार्थक कह लो, एक ही बात है। अब इनके भेद पूछे जाएंगे तो भेद कितने हैं? तीन। भेद कितने हैं? तीन। कौन कौन से? पूर्ण पर्याय, पूरा पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय किसे कहते हैं? तीनों को समझ लो। पूर्ण पर्याय किसे कहते हैं और पूरा पूर्ण पर्याय किसे कहते हैं? देखो जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है। यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा। ठीक है, तो यह है पूर्ण। पूर्ण पर्याय का मतलब है पूरी तरह से जो एक दूसरे के पर्याय हों। मतलब इसका यह हुआ कि एक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा अर्थ शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए। पूर्ण पर्याय क्या होगा? पूर्ण पर्याय उसे कहा जाएगा एक शब्द को हटाकर, एक शब्द को हटाकर, एक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर दूसरा रख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दूसरा रख दिया जाए तो कोई परिवर्तन न हो, अर्थ में परिवर्तन न हो, कोई अर्थ में परिवर्तन न हो। ठीक है, मतलब उस वाक्य का या जहां भी रखा गया है उस स्थान पर कोई अर्थ न बदले। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द है, आप कोई एक शब्द ले लें और उस शब्द को हम यहाँ पर लिखें और उस शब्द को हम हटाकर दूसरा शब्द लिख दें, तो फिर उसके स्थान पर जब दूसरा शब्द रखा जाता है तो वो क्या होता है? पूर्ण पर्याय हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सामान्यतः कह दे रहे हैं पानी और जल, पानी और जल। अब कई बार कह देते हैं एक गिलास पानी ले आओ। ठीक, अब उस वाक्य में हमने पानी को हटाकर कर दिया एक गिलास जल ले आओ। वैसे होता इनमें भी अंतर है, पानी एक बार को गंदा हो सकता है लेकिन जल पवित्र होता है। जल में स्वच्छता होती है, निर्मलता होती है और पवित्रता होती है। तो ये बात हम आपको पहले बता दिए हैं कि कोई भी व्याकरणों का मतलब है कि कोई भी पर्यायवाची शब्द दूसरे का पूर्ण पर्याय नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस तरह वाक्य में यदि प्रयोग हो रहा है और उसका स्थान बदल दिया जाए, कोई अर्थ में परिवर्तन न हो, तो उसे कह देते हैं पूर्ण पर्याय। अब पूर्ण अपूर्ण, यहां संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा? पूर्ण प्लस अपूर्ण। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे पर्यायवाची जो एक कंडीशन में पूर्ण पर्याय का अर्थ दें और दूसरी स्थिति में जाकर वो अपूर्ण हो जाएं, मतलब पूर्ण पर्यायवाची सिद्ध न हो, पूरा अर्थ न बताएं, तो उन्हें क्या कहेंगे? पूरा पूर्ण पर्याय। अब ये पूरा पूर्ण पर्याय कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं, कपड़े टांगना। क्या है? कपड़े टांगना। ठीक, अब हमने ये लिया, इसके लिए हमने ये लिख दिया कपड़े लटकाना। ठीक, कपड़े लटकाना। अब इसके स्थान पर हम ऐसे कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो लटकाना के स्थान पर टांगना लिख सकते हैं। ठीक, कपड़े टांगना ऊपर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है कपड़े टांगना और कपड़े लटकाना। ठीक, कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, जैसे हैंगर है या कोई तार है, कोई रस्सी है, उस पर कपड़े टांगना, कपड़े टांग दो, कपड़े लटका दो, कोई विशेष अर्थ नहीं है। एक दूसरे के स्थान पर ये प्रयुक्त हो सकता है, टांगना और लटकाना। अब इसी की जगह पर यदि हम चर्चा करें कि वह है, जैसे हमने लिखा यहाँ वह है मुंह लटकाए हुए है, वह है
मुंह लटकाए बैठी है, ठीक है, चलो ऐसे कह दे रहे हैं, वह मुंह लटकाए बैठी है। अब मुंह लटकाए बैठी है, इसके स्थान पर हमने क्या किया, दूसरा हमने प्रयोग करना, दूसरा ये लिख दिया, वह मुंह टांगे बैठी है, मुंह टांगे बैठी है, बैठी है। समझने का प्रयास करना, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक स्थिति में टांगना और लटकाना एक दूसरे के पर्याय हैं, कपड़े टांगना, कपड़े लटकाना, ठीक, यहाँ एक दूसरे के ये पूर्ण पर्याय हैं दोनों शब्द। अब यही इस स्थिति को छोड़कर जब इस स्थिति में पहुंचे तो ये एक दूसरे के पर्याय नहीं रहे, क्यों, यहाँ पर वह मुंह लटकाए बैठी है, ये तो सही है वाक्य, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि वह मुंह टांगे बैठी है, ये अशुद्ध है, ये गलत है, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, ये अपूर्ण पर्याय हो गया, ये अर्थ एक शब्द को हटाकर ये वाला शब्द रख देंगे तो क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा। तो ये होते हैं पूरा पूर्ण पर्याय, ठीक है। अब दो पर्याय आप समझ गए, पूर्ण पर्याय स्थान बदलने पर कोई अंतर ना हो, पूर्ण पर्याय कहते हैं, ठीक है, स्थान बदलने पर कोई अंतर ना हो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण पर्याय कहेंगे, और अपूर्ण ये हो गया। अब बात करेंगे हम अपूर्ण पर्याय की, अब हम काय की बात करेंगे, अपूर्ण पर्याय की, चलो अपूर्ण पर्याय पर भी थोड़ी सी बात कर लें, यही कर ही ले रहे हैं, चलो यहाँ पर अपूर्ण पर्याय क्या होते हैं समझ लो, ठीक है, अपूर्ण पर्याय, पर्याय का मतलब पर्यायवाची, अपूर्ण पर्याय क्या होते हैं, जैसा नाम है वैसा काम है, यथा नाम तथा गुण, अपूर्ण पर्याय का मतलब क्या होगा, देखो अब समानार्थक शब्दों में अर्थभेद, इसका मतलब समानार्थक शब्दों में अर्थभेद, ठीक। अब समझने का प्रयास करना अपूर्ण पर्याय को, क्या है कि जैसे संस्कृत में एक शब्द है गर्भिणी, ठीक है, क्या है गर्भिणी, ठीक। अब समय के अनुसार ये तत्सम शब्द है, कैसा है तत्सम, समय बदला और परिवर्तन हुआ, गर्भिणी से गाभिन बना गाभिन, ठीक है, ये है तद्भव शब्द, ये कैसा है तद्भव शब्द। अब देखो क्या है कि गर्भिणी और गाभिन की दोनों का एक ही अर्थ है, गर्भिणी और गाभिन का अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है, लेकिन जैसे समय बदला और क्या हुआ कि दोनों को अर्थ की जरूरत पड़ी और दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन क्या हो गया, परिवर्तन ये हो गया, देखो क्या हो गया, गर्भिणी ये तो प्रयुक्त होने लगा स्त्री के लिए, मनुष्य की स्त्री, ठीक है, और ये गाभिन प्रयुक्त होने लगा पशु मादा के लिए, ठीक है। अब देखो पशु की मादा को गाभिन कहेंगे, पशु की मादा को क्या कहेंगे गाभिन, यदि कोई पशु है और उसकी मादा गर्भवती है तो उसे क्या कहेंगे गाभिन, और स्त्री यदि गर्भवती है तो उसे कहेंगे गर्भिणी, अर्थात ये एक दूसरे के दूसरी स्थिति में जाने पर पर्याय नहीं रहेंगे, ये पर्याय गाभिन नहीं कह सकते आप किसी स्त्री को कि स्त्री गाभिन है, और आपने सुना भी नहीं होगा, गर्भवती या गर्भिणी सुना होगा लेकिन गाभिन नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये स्थिति जब अपूर्ण पर्याय होता है तो वहां पर ये स्थिति बनती है, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है अमात्य सचिव और मंत्री, कल हमने चर्चा की थी शायद आपको याद होगा, अमात्य सचिव, ठीक है, सचिव और मंत्री,
ठीक है। अब ये पहले प्राचीन काल में तीनों एक के ही पर्याय थे, अमात्य, सचिव और मंत्री। हमने कल बताया था अमात्य और मंत्री एक बात है, तो एक ही थे, लेकिन समय बदला तो अमात्य तो गायब हो गया। आजकल अमात्य शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है कहीं, सचिव का और मंत्री का हो रहा है। अब ये पहले एक दूसरे के पर्याय थे, अब सचिव किसे कहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी को। और मंत्री किसे कहते हैं? जो नेता होते हैं, जो चयनित होते हैं जनता के द्वारा, उन्हें मंत्री कहते हैं। तो अब इन दोनों में अर्थ क्या हो गया? वैसे सेम थे, फिर क्या हो गया? अर्थ बदल गया, अपूर्ण पर्याय हो गए, पहले पूर्ण पर्याय थे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आते हैं अपूर्ण पर्याय में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे और विश्वास है कि इतना आप कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिला होगा। चलो अब हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं सीधे सीधे, ठीक है? चलो, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ी क्लास होगी। आप ये कहेंगे कि प्रश्नोत्तरी की कह दी और पढ़ाने लगे कोर्स। अब कोर्स पढ़ाएंगे तो भाई कोर्स में तो समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है? और पर्याय कहाँ है? पर्याय भाई आजा आजा, पर्यावरण 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 पर्याय स्पेशल, ये आ गया साहब आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आ गया, बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है, आपको भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है? और सभी साथियों से ये हमारा अनुरोध है कि अपने सभी मित्रों को क्लास शुरुआत में ही शेयर कर दिया करिए, और जो लोग रोज़ जुड़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए क्लास 8:30 बजे से होती है, तो आप 8:30 बजे आ जाया करिए। कुछ लोग ये कहते हैं जब हम आते हैं तब तक क्लास ऑफ हो जाती है, तो आप आधा घंटा बाद, पौन घंटा बाद, 40-50 मिनट बाद आओगे तब तक तो क्लास ऑफ हो ही जाएगी। 8:30 बजे आ जाया करिए, ठीक है? और बहुत दिनों से संख्या बहुत कम हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा कोशिश करो 100+ तो हो जाया करे, बस ज़्यादा आपसे नहीं कहते हैं, बस हम आपसे यही चाहते हैं कि इतना कोशिश करो, इतना बना रहो कि कम से कम 100+ लोग हो जाएं, बस, ठीक है? ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, कितने होने चाहिए? 100+। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कोशिश करो तो 100+ ना हो, 100+ पहले भी कई क्लासों में रहे हैं, हो भी जाएंगे, ठीक है? 123, 116 कई क्लासों में रहे हैं, ठीक है? चलो अब हम सीधे सीधे प्रश्न देखते हैं। घंटा पुष्प का पर्याय है। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी आप उपरोक्त सभी सोचकर उपरोक्त सभी उत्तर मत लगा देना, लेकिन आप कमेंट करके बताओ घंटा पुष्प। पहले तो आप कमेंट करके ये बताओ घंटा पुष्प का अर्थ क्या है, तब हम जानेंगे कि आप सही उत्तर दे पाओगे। जब तक आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप उस शब्द का पर्यायवाची भी नहीं बता पाएंगे। ध्यान रखना, अर्थ पहले, पर्याय अर्थ से गंभीरता पूर्वक जुड़ा है, गहनता से जुड़ा है, तो अर्थ समझेंगे जब, और अर्थ के बाद तब आप बताएंगे कि दूसरा शब्द उससे मिलता जुलता अर्थ वाला कौन सा है। तो घंटा पुष्प का अर्थ क्या है बताइए? घंटा पुष्प का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। अब देखो ये धतूरा है, घंटा पुष्प का अर्थ क्या है? धतूरा है। सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। परछाई सफ़ेद शर्ट पहने, परछाई दिखाई देती है, ये परछाई नहीं दिखनी चाहिए, अब लाइट ही इतनी तेज है। महासठ, इसका भी अर्थ है धतूरा, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। कनक, इसका भी अर्थ है धतूरा, बिल्कुल। शिवप्रिय, इसका भी अर्थ है धतूरा, ठीक है, धतूरा शिव जी को बहुत प्रिय है, तो इसका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। घंटा पुष्प काय का पर्याय है? घंटा पुष्प पर्याय है धतूरा का, ठीक है? और शिव जी को धतूरा बहुत, बेलपत्र धतूरा तो बहुत प्रिय है, ठीक है? तो शिव प्रिय, शिव जी को जब भी पूजा करते हैं, किया जाता है, की जाती है पूजा, तो क्या होता है? घंटा पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक। चलो भाई, पहला प्रश्न हो गया, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है? चलो भाई दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो दूसरा देख लो। ताम्रचूड़ बताओ, ताम्रचूड़ का अर्थ क्या है? ताम्रचूड़ का अर्थ क्या है? मुर्गा, मोर, पपीहा, कोयल। मुर्गा, मोर, पपीहा, कोयल, बोलो ताम्रचूड़ का अर्थ क्या है? ताम्रचूड़, बहुत शानदार प्रश्न लेकर आए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए खास एकदम। पढ़ चाहे कहीं भी लेना, लेकिन प्रद्योत गुरुकुल में जैसा कंटेंट और जैसी क्लास मिलेगी, विश्वास है कि ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, मुफ्त में और मिल रही है, ठीक है? फ्री में चंदन मिल रहा है, घिस लो भाई,
राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, और अंत काल पछताएगा जब नौकरी जाएगी छूट। ठीक है, तो बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता, जब नौकरी चली जाए हाथ से, अवसर चला जाए, समय बीत जाए। ठीक है, तो समय रहते हुए जाग जाओ भाई, जाग जाओ और अच्छा पढ़ो, अच्छी जगह पढ़ो। मुर्गा ताम्रचूड़ का अर्थ क्या है? मुर्गा है। ठीक, ये तीनों नहीं है। ताम्रचूड़ का अर्थ क्या है? मुर्गा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो एक और बताओ, रक्त लोचन का अर्थ क्या है? रक्त लोचन का अर्थ क्या है कमेंट बॉक्स में लिखो। रक्त लोचन का अर्थ क्या है कमेंट बॉक्स में लिख दो, रक्त लोचन का अर्थ। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, किस विकल्प के शब्द संगत नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार। किस विकल्प के शब्द संगत नहीं है बताओ? बाकी तीन के संगत होंगे, एक के संगत नहीं है, तो वो आपको देखना है किस विकल्प के शब्द संगत नहीं है। बता दीजिए भाई, किस विकल्प के शब्द संगत नहीं है आपको बताना है, और शीघ्रता से बता दो जिससे कि कम समय लगे। ठीक है, और कम समय लगेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलो कौन सा ए बी सी या डी कौन सा सही है बता दीजिए साहब, बताओ कौन सा सही है। कमेंट करते रहें भाई। ताम्रचूड़ का अर्थ तो मुर्गा आपने बता दिया, वेरी गुड, शाबाश। निर्झर, प्रपात, उत्सुता, चार शब्द दिए हुए हैं। ठीक, कुंभिल, खनक, मौसक, रजनीचर, क्रमेलक, महाग्रीव, लंबोष्ट, उत्तुंग, वैशाख नंदन, शीतलावाहन, शंखकर्ण और रासव। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्याय शब्द बताओ कौन सा सही होगा तीसरे प्रश्न का, बताओ तीसरे का कौन सा सही होगा। पहले तो हमने ये बताया कि आपको अर्थ पता होने चाहिए, तब आप सही पर्यायवाची तक पहुंच पाएंगे, और अर्थ ही पता नहीं होगा। निर्झर का अर्थ क्या है? निर्झर का अर्थ क्या है? झरना। क्या है? झरना। प्रपात का अर्थ क्या है? प्रपात का अर्थ है झरना। ठीक, प्रपात का अर्थ क्या है? झरना। उत्स का अर्थ क्या है? झरना। उत्स का अर्थ क्या है? झरना। और सोता का अर्थ क्या है? झरना। ठीक, तो ये चारों झरना के हैं, ये चारों काय के हैं? झरना। ठीक है, झरना कौन सा? जो पर्वतों पर पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसका। निर्झर बहुत आया है परीक्षाओं में, प्रपात ये भी बहुत आया है, उत्स और सोता ये कम आए हैं, लेकिन अब जब पेपर कठिन बनता है तो इस तरह के पर्याय पूछे जाते हैं जो कम आए होते हैं। चलो अब चलते हैं कुंभिल। कुंभिल, खनक, मौसक, रजनीचर। अब इससे आपको हो सकता है रजनीचर का अर्थ आपको पता लग रहा हो, कुंभिल, खनक और मौसक का क्या अर्थ है ये आप बताओ। जब चारों के अर्थ आपको पता होंगे तभी तो आप सही उत्तर दे पाओगे, एक यदि संगत नहीं होगा तो भी उत्तर गलत हो जाएगा, समझ लो। तो कुंभिल का अर्थ क्या है? चोर। कुंभिल का अर्थ क्या है? चोर। ठीक, खनक का अर्थ क्या है? चोर। मौसक का अर्थ क्या है? चोर। और रजनीचर का अर्थ क्या है? चोर, रात में चलने वाला। रजनीचर का अर्थ ये भी होता है, रात में चलने वाला। ठीक है, तो इसे चोर कहेंगे। अब ये दो हो गए, अर्थात इन दोनों विकल्पों में चारों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं, अर्थात ये दोनों विकल्प अब संगत है, ये भी संगत है। पूछा कौन सा? संगत नहीं वाला। क्रमेलक, इसका अर्थ क्या है? ऊंट। महाग्रीव, ऊंट। लंबोष्ट, ऊंट। उत्तुंग का अर्थ होता है शिखर। उत्तुंग का अर्थ क्या होता है? शिखर या चोटी। ठीक है, उत्तुंग शिखर। उत्तुंग का अर्थ क्या होता है? ऊंचा शिखर। ठीक, तो अब यहां ये विकल्प सही हो गया, अर्थात ऊंट, ऊंट, ऊंट और ये शिखर, अर्थात इस विकल्प के चारों शब्द संगत नहीं है। अब वैशाख नंदन, शीतलावाहन, शंखकर्ण और रासव,
इन सब का अर्थ क्या है? गदहा, गदहा या गधा, ठीक है। और गदहा के नाम से कुछ याद आ जाता है, गदहा न कभू सिख मान एगो, गधा कभी सीख नहीं मानता, गधा कभी सीख नहीं मानता है, ठीक है। ये बहुत शानदार प्रश्न हो गया, ठीक है। आशा और विश्वास ये है कि ये आपके काम आने वाला है, काम आएगा। और चार 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 पर्यायवाची आप नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, झरना के, चोर का, और ये ऊंट के, और ये गधा के, ठीक है भाई। गधा भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करोगे तो गधा ऊंट सब पढ़ने पड़ेंगे। पर्याय स्पेशल। अगला प्रश्न, अब प्रश्न संख्या चार, प्रत्याहार। सारे ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी प्रश्न को नकार नहीं सकते कि ये आपकी अंतरात्मा भी बता देगी कि कैसे प्रश्न है, ठीक है। हमारी मेहनत को आपकी अंतरात्मा भी प्रणाम करेगी, आपकी अंतरात्मा भी क्या करेगी, सलाम करेगी कि हाँ सर मेहनत करके लाते हैं, और ऐसी मेहनत करके लाते हैं जो आपके काम की है, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी संतुष्टि तो सीखने से होती है, ठीक। सफलता असफलता ये बाद की चीज़ें, यदि हम सीखने से संतुष्ट हैं, पढ़ाई से संतुष्ट हैं, तो सफलता तो पीछे पीछे आएगी। नौकरी के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, नौकरी के लिए नहीं, योग्यता के लिए पढ़ो, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया, हमने जब हम मन में कोई विचार बना लेते हैं, मन में कुछ सोच लेते हैं, तो ऐसा होता नहीं है अक्सर, ठीक है। क्या होता है, कह देते हैं कि भाई जो सोचो वो नहीं होता है, ऊपर वाला जो करता है वो होता है, ठीक है। तो कई बार सोचा, हमने हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन नहीं आए। इंटर में भी हम पढ़ रहे थे तब भी हमने सोचा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छे नहीं आए, मन संतुष्ट नहीं हुआ मार्क्स से, ठीक है, अंकों से। तो फिर क्या हुआ, हालांकि मेहनत बहुत की, अच्छे आए, अपने कॉलेज में टॉप रहे, लेकिन फिर भी उतने अच्छे नहीं आए कि मन को संतुष्टि हो कि हाँ ठीक है। लेकिन जब बीए में फिर हमने छोड़ दिया कि अब नहीं, नंबर आए या ना आए, स्नातक किया तो स्नातक में फिर अच्छे आए, फिर बीएड में, बीएड में और अच्छे आए, एमएड में, एमएड में फिर और ज़्यादा अच्छे आए, एमए में, फिर एमए में और ज़्यादा अच्छे आए। जब नंबरों से मोह त्याग दिया तब नंबर अच्छे आए, जब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पढ़ने लगे कि नंबर आए वो आते रहे, कुछ भी हो हमें तो पढ़ना है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस सीखना है, और ऐसी आदत बना ली तो नंबरों की लाइन लग गई। फिर परीक्षाओं में ऐसे ऐसे नंबर आने लगे, एकदम जानते हो टीजीटी में, पीजीटी में जितने पे प्रश्न आते हैं उतने पूरे सही, कोई गलत नहीं होता। तो क्या है कि ऐसी कंडीशन, यदि हम ऐसे नौकरी के पीछे भागें, नौकरी के पीछे भागें तो नौकरी और तेज भागेगी, लेकिन हम योग्यता के पीछे भागें तो नौकरी पीछे रह जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रत्याहार का अर्थ सैनिक नहीं, सेवक नहीं, द्वारपाल हाँ, और नौकर नहीं, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है, प्रत्याहार का अर्थ होता है द्वारपाल, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, द्वारपाल। चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, द्वारपाल। परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है, ठीक है। असंगत है, बताओ भाई असंगत है, असंगत पूछ रहा है, बता दो भाई असंगत कौन सा है पूछ रहा है। तो ललना स्त्री, विष्णुपदी लक्ष्मी, सविता सूर्य, शिवाक्ष रुद्राक्ष, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं भाई, शब्दों को तो देखो, कितना अच्छा प्रश्न है, दिल को लूटने वाला, कितना शानदार प्रश्न है। ललना स्त्री, बिल्कुल ललना का अर्थ स्त्री होता है, और परीक्षाओं में बहुत आया है, ठीक है। परीक्षाओं के लिए बेहद खास है ये ललना, ठीक। ललना का अर्थ क्या है, स्त्री, याद रखेंगे, गलत न कर देना। विष्णुपदी, विष्णुपदी का अर्थ लक्ष्मी नहीं होता है,
लक्ष्मी नहीं होता है। ये टीजीटी 2009 में आया था, टीजीटी 2009 की परीक्षा में आया था और इसमें अधिकांश विद्यार्थियों का गलत हुआ था। ठीक है, आज भी ये पढ़ने वाले विद्यार्थी ही कर पाते हैं। जैसे ही विश्वपदी दिखाई देता है, विश्वपदी, वैसे ही लक्ष्मी पर पहुंच जाते हैं और लक्ष्मी विकल्प पहले रहता है, लेकिन विश्वपदी का मतलब लक्ष्मी नहीं, विष्णु के पैरों से जो निकली हो। लक्ष्मी जी विष्णु के पैरों से निकली हुई नहीं है, पैरों से निकली हुई कौन है? गंगा। पैरों से जुड़ी हुई कौन है? गंगा। विष्णुपदी का अर्थ क्या हुआ? गंगा। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लेना और वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके सामने डायरी पर, विष्णुपदी का अर्थ क्या है? गंगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी ही कर पाते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, विष्णुपदी का। सविता का अर्थ सूर्य है, उदित सवितां, बिल्कुल सही है। शिवाक्ष का अर्थ रुद्राक्ष है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और असंगत कौन सा हो गया? दूसरा, विष्णुपदी। बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत शानदार है भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। थकना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है। असंगत पर्यायवाची है, असंगत पर्यायवाची बता दीजिए। पिनाप नाराज कार्मुक कोदंड, पिनाप नाराज कार्मुक कोदंड। ठीक है, हम आपको असंगत पर्यायवाची पूछ रहे हैं जो संगत न हो। मतलब इसका यह है कि तीन शब्द तो एक दूसरे के पर्याय हैं और एक शब्द ऐसा है जो पर्याय नहीं है, जिसका अर्थ कुछ अलग है, उनका बताना है। बताओ, पिनाक नाराज, बोलो कार्मुक कोदंड, बोलो बोलो भाई। 2 मिनट 2 सेकंड का समय है, क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, और भी हमें चर्चा करनी है आपसे। असंगत पर्याय बताओ छठे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, नाराज। नाराज ये असंगत है साहब। अब पिनाक का क्या है? अर्थ जानोगे तभी तो, हमने तो यही बताया आपको, जब अर्थ जानोगे तभी तो पर्यायवाची बता पाओगे। अर्थ क्या है पिनाक? पिनाक धनुष। पिनाक का अर्थ क्या है? धनुष। कार्मुक धनुष, ठीक है, और कोदंड धनुष, ये तीनों धनुष के पर्यायवाची हैं। और नाराज बाण, धनुष और बाण में अंतर आप जानते होंगे, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। चलो छठा हो गया, शीघ्रता से सातवें की ओर बढ़ते हैं। किरण के पर्याय हैं, किरण के पर्याय हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ भाई किरण के पर्याय कौन से हैं? ये तो बहुत शानदार है। 1 2 3 4 कौन सा विकल्प सही होगा? कर और अंशु, कला और मरीच, मयूख और रश्मि, उपर्युक्त सभी। बताओ, कितना शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार, बड़ा अच्छा है। ठीक है, रश्मि में थोड़ा सा लिखने में अशुद्धि है, प्रिंटिंग की, ठीक है, 2011 पेपर की तरह है, कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लें। कर और अंश कौन सा सही है? ए बी सी या डी, पहला दूसरा तीसरा या चौथा? तो किरण, कर का अर्थ भी किरण है, अंश का अर्थ भी किरण है, ठीक है, कला का अर्थ भी किरण है और मरीच का अर्थ भी किरण है, मयूख का अर्थ भी किरण होता है और रश्मि का अर्थ भी किरण होता है, और इसका मतलब हो गया डी विकल्प सही होगा। क्या होगा सही? डी विकल्प। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। चलो भाई अब देखते हैं अगला, सातवां हो गया, आठवां। आठवां देख लो, हाटक। हाटक 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 बताओ, हाटक। हाटक पर्याय है, हाटक पर्याय है बाजार का, फटकन का, सोना का, केवाड़ का। वाह, कितना सुंदर प्रश्न, वेरी गुड। ये तो भाई सलाम ठोके है, सलाम करने लायक प्रश्न है ये तो।
बहुत शानदार प्रश्न है। हाटक का अर्थ बता दीजिए भाई, हाटक का अर्थ क्या होता है? पहले विकल्प के साथ कौन कौन जाएगा? ए विकल्प के साथ, पहले विकल्प के साथ कौन कौन जा रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, फिर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ए विकल्प के साथ जो जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। ए विकल्प के साथ जो जा रहे हैं, पहले विकल्प के साथ, उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। हाटक का अर्थ फटकन, हाटक का अर्थ क्या है? फटकन। हाट, हाट होता है हाट, हाट बाजार, ठीक है, हाट का अर्थ होता है बाजार। और हाटक का अर्थ क्या होता है? हाटक का अर्थ क्या होता है बोलो भाई, क्या हुआ? हाटक का अर्थ, हाटक का अर्थ, ओ सॉरी, हाटक का अर्थ फटकन नहीं, हाटक का अर्थ सोना होता है, गलत कर दिया। हाटक का अर्थ क्या होता है? सोना। हमारे ध्यान में कुछ और आ गया, हम पद याद आ गया सूरदास का, सूरदास का पद याद आ गया, हाटक दे के फाटक मांगत, हाटक दे के फाटक मांगत। गोपिकाएं कहती है उद्धव से, हे उद्धव तू कहाँ का पड़ा हुआ है, कहाँ से आया है, हाटक दे के फाटक ले रहा है, मतलब मतलब सोना दे दो, ये कह रहा है कि सोना दे दो और फटकन ले लो। हाटक का मतलब सोना, ये कहती है गोपिकाएं उद्धव से, उद्धव उद्धव से कि सोना तो तू ये कहता है कि श्री कृष्ण को छोड़ दो, सगुण साकार ब्रह्म को छोड़ दो और निर्गुण निराकार को, निर्गुण निराकार को ग्रहण कर लो, ये क्या है? फटकन। अरे अनाज में फटकन होती है, गेहूं होते हैं, गेहूं को फटकते हैं तो जो कूड़ा करकट निकलता है, भूस कूड़ा करकट भूसा आदि मिट्टी जो भी, वो फटकन है। तो हाटक दे के फाटक मांगत, तू सोना हाटक लेके फाटक मांगत, मतलब ये कह रहा है हमसे कि सोना हमें दे दो, ये सोना तुम्हारे पास है, मेरे कृष्ण तो सोना है, मेरे कृष्ण क्या है? सोना, ठीक है, सोना बाबू कृष्ण है सोना, और तुम्हारा निर्गुण निराकार क्या है? फटकन है, अनाज की फटकन। अब भाई अनाज की फटकन, जब 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 कोई फटकन लेके आए और ये कहे कि हमें सोना दे दो, फटकन ले लो, कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सोना कितना? 60,000 से भी ज़्यादा, एक तोला। और फटकन, फटकन तो भाई पशु भी नहीं खाते, फटकन तो फेंकी जाती है, तो फटकन के बदले में सोना कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए सगुण साकार कृष्ण को नहीं छोड़ सकती मैं, और तुम्हारा ये फटकन नहीं ले सकती। अर्थात हाटक का अर्थ क्या हुआ? सोना हुआ। समझ गए अब? ठीक है। और ये किवाड़, फटकन, ये सब आप जान गए, हाट बाजार ये भी जान गए। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। आठवां, अब नौवा देखो, असंगत कौन सा है? असंगत बताओ, बोलो बोलो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वेतनेय, वेरी इंपॉर्टेंट, असंगत बता दीजिए भाई। नौवा प्रश्न शानदार प्रश्न है, बोलिए बोलिए क्या है, कौन सा असंगत है? वेतनेय, गरुड़, व्रण, घाव, गवाक्ष, खिड़की, सफफ, खामोश, बोलिए। इस प्रश्न पर हम आपको 5 सेकंड देंगे, ठीक है, इस प्रश्न पर हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, अपना अपना उत्तर दीजिए भाई, और हम आपके सही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सही उत्तर दीजिए, हमें भी पता लगे कि आप कितने लोग सही उत्तर देंगे, ये पता लगे। सही उत्तर तो देने वाले होंगे, ऐसा नहीं कहेंगे हम, ठीक है। मध्य ते मध्य घने रे, घर ना बाहर बहुत तेरे, ठीक है, कभी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना हमें ना आपको। हमसे भी योग्य बहुत हो सकते हैं, आपसे भी योग्य बहुत हो सकते हैं, इस दुनिया में विद्वता की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, तो बस हम बस प्रयास करते हैं। वेतनेय, इसका अर्थ गरुड़, असंगत पूछा है, गरुड़ होता है, बिल्कुल होता है, संगत है,
वैतने गरुड़ का पर्यायवाची है, बिल्कुल संगत है 100%। ठीक है, किसी भी तरह कोई व्रण घाव बिल्कुल संगत है, 100% संगत है। व्रण का अर्थ घाव होता है। गवाक्ष खिड़की बिल्कुल संगत है साहब, 100% संगत है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सफफ चौथा विकल्प सही हो जाएगा। सफफ का अर्थ खामोश, बिल्कुल नहीं होता। अब भाई सफफ का अर्थ बता दो, खामोश नहीं होता, लेकिन सफफ का अर्थ बताओ, सफफ का अर्थ बता दीजिए, ये बताओ क्या होता है सफफ का अर्थ। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, क्या होता है? शीघ्रता से बोल दिया करो, देर न हो, शीघ्रता से बोलो, देर न हो। सफफ का अर्थ होता है ला लेना। ठीक है, सफफ का अर्थ क्या होता है? लालिमा। कौन सी लालिमा? अंतरिक्ष वाली। ठीक है, अंतरिक्ष की लालिमा अर्थात आकाश की लालिमा। ठीक, अर्थात जब आकाश लाल होता है, जैसे उषा होता है, संध्या होती है, उस समय जो जो आकाश की लालिमा अंतरिक्ष लाल दिखाई देता है उसे कहते हैं सफफ। ठीक, लाली। नौ हो गया, दस देख लो, जीभ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं। रसना, रसिका, रसला, स्वाद। रसना, रसिका, रसला, स्वाद, दस का सोच समझकर उत्तर देना। जीभ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं नहीं पढ़ोगे तो पहले पे ही कर दोगे कि रसना है, जीभ का पर्याय रसना है। सर जी हम तो पहला ही कर आए, बहुत अच्छा था, बहुत सरल था। अरे भाई ये नहीं तो देखा ही नहीं, नहीं देखा तो इस चक्कर में गलत हो गया। पहले पूरा प्रश्न गंभीरता पूर्वक दो बार पढ़ना है। रसना है जीभ का पर्याय, रसिका है, रसला ये भी है, स्वाद नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा चौथा, दस का चौथा विकल्प सही है। ठीक है, चलो अब देखो ग्यारहवां प्रश्न। कीटमड़ किसका पर्यायवाची है? कीटमड़, बोलो भाई कीटमड़ किसका पर्यायवाची है? कीटमड़ काय का पर्यायवाची है? कीटमड़ बता दो। जुगनू, बिच्छू, सर्प, पतंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीटमड़ काय का पर्यायवाची है? बोलो 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 बोलो, एक दो तीन या चार, कीटमड़ काय का पर्यायवाची है? बोलो, बिच्छू का, सर्प का, पतंगा का या जुगनू का? तो कीटमड़ कहते हैं जुगनू को। किसे कहते हैं? जुगनू को, जुगनू, कीटमड़, जुगनू। और क्या कहोगे? खद्योत। क्या कहोगे? खद्योत। और ख काय का पर्यायवाची है? ख, बोलो कमेंट करो, ख ख ख, आकाश का। काय का? आकाश का। और द्योत? प्रकाश का। द्योत प्रकाश या चमक का, तो आकाश में प्रकाश करता है वो होता है खद्योत। ठीक है, तारों को भी कहते हैं। और प्रद्योत, प्र अधिक, प्र अधिक, और द्योत प्रकाश, अधिक प्रकाश। तो सबसे अधिक प्रकाश कौन देता है? सूर्य। कौन देता है? सूर्य। इसीलिए प्रद्योत गुरुकुल नाम है, जो सूर्य की तरह, काय की तरह, सूर्य की तरह। आपने देखा ही होगा अपनी डीपी प्रद्योत गुरुकुल की, सूर्य बना है उसमें, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो देख लेना, सूर्य बना हुआ है। ठीक है, प्रद्योत, खद्योत, प्रद्योत, बिल्कुल सही। अब चलो भाई ग्यारहवां हो गया, बारहवां। देखो जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न बनाए गए हैं। अखात, काशार, खड़ाली, देवखात आदि पर्याय हैं।
अब एक पर्याय पूछ के तो उत्तर तक पहुंच जाता है आदमी। हमने आपको बता दिए चार, एक दो तीन चार, चार तो ये भाई हो गए एक साथ। अब पांचवा भाई ढूंढ लो इनका, ये किनके हैं, किनके भैया हैं ये बताओ, भैया है कि बहन है का है बताओ, किनके हैं बताइए, झोपड़ी के, उर्वरक के, झील के और धतूरा के, बताओ भाई बताओ। बारहवां प्रश्न हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताओ कौन सा उत्तर सही जाएगा इसका, बारहवें प्रश्न का उत्तर कौन सा सही जाएगा, बोलो साहब। बारहवां बारहवां बताओ काय के हैं, अखात, कासार, खड़ाली, देवखार। अब भाई क्लास शीघ्र करनी पड़ेगी, समय का अभाव आ गया, घड़ी कुछ ज़्यादा तीव्रता से भाग रही है, इसलिए ये हैं झील के, ये काय के हैं झील के, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है, झील के पर्यायवाची, शानदार, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो भैया तेरहवें प्रश्न को देखो, असंगत है विबुध त्रिदश अजर, चंद्रहास करवाल अश, छपाकर महताब मृगलांछन, ललाम ललित और ललना। अब बताओ ये अच्छे 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 पर्यायवाची रखे हैं, कितने शानदार शानदार। विबुध त्रिदश अजर, पहले अर्थ पता होना चाहिए तभी तो हम उत्तर तक पहुंचेंगे। अर्थ क्या है विबुध त्रिदश और अजर का अर्थ क्या है बताओ भाई, इन सब का अर्थ है देवता, क्या है देवता, विबुध देवता, त्रिदश देवता, अजर अमाने नहीं, जर माने बूढ़ा, जो बूढ़ा न हो उसे देवता कहते हैं, ठीक है। निर्जर वो भी, और निर्जरा, निर्जरा नाम सुना है, कहाँ आया है निर्जरा नाम, तेरे नाम, तेरे नाम फिल्म में उसका नाम क्या है निर्जरा, सलमान खान पूछते हैं कि क्या नाम है कि निर्जरा, अर्थ क्या है, अर्थ पूछा, जब नाम अटपटा होगा तो सामने वाला नाम सुनकर पहले अर्थ पूछेगा, हमसे भी हर इंटरव्यू में पूछा गया, जो भी पूछता है क्या नाम है प्रद्योत कर, अच्छा सर अर्थ क्या है इसका, तो अर्थ निर्जरा ने क्या बताया, जो बूढ़ी न हो, जो बूढ़ी न हो क्या कहते हैं उसे निर्जरा, ठीक है। और बूढ़ी कौन न हो, जो अप्सरा होती हैं, अप्सरा बूढ़ी नहीं होती हैं, ठीक है। अप्सरा आप जानते हैं देवलोक की स्त्रियां अप्सरा कही जाती हैं, और बताया जाता है वो बूढ़ी नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेनका अप्सरा, जैसे उर्वशी अप्सरा, जैसे आपने ये सारे नाम सुने होंगे, चलो कोई बात नहीं, जो देवलोक की अप्सराएं हैं उनके नाम, ठीक है। चंद्रहास, करवाल और असे ये तलवार के हैं, काय के पर्याय हैं तलवार के। छपाकर, महताब और मृगलांछन, ये बताओ भाई मृगलांछन, छपाकर, महताब और मृगलांछन, ये बड़ा सुंदर है, ये तो भाई चंद्रमा का है, काय का है चंद्रमा का, और ललाम और ललना ये हैं स्त्री के, ठीक। और ये ललित है, ललित माने होता है सुंदर, ललित माने होता है सुंदर, अर्थात इसका मतलब डी विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा चौथा, चौथे प्रश्न के साथ उत्तर जाएगा इसका, चौथे उत्तर के साथ सही होगा। चलो भाई अब जल्दी चलो, टाइम हो गया। चौदहवा देखो, असंगत है, असंगत पूछा है, असंगत, शकुंत पक्षी, अरुण शिखा मोर, कृष्णसार हरिण, गयंत हाथी, बहुत अच्छा प्रश्न। शकुंत का अर्थ पक्षी, बिल्कुल सही है, अरुण शिखा का अर्थ मोर, बिल्कुल नहीं। अरुण शिखा क्या होता है, अरुण शिखा होता है मुर्गा, अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी, जिसकी लाल चोटी हो उसे कहते हैं मुर्गा। कृष्णसार हरिण का पर्यायवाची है, और गयंत
हाथी का पर्यायवाची है, इसका मतलब हुआ आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चौदहवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलो भाई चौदहवा हो गया, पंद्रहवा देख लो। स्वच्छ का अर्थ है, अरे भैया बड़ा अच्छा प्रश्न है, स्वच्छ का अर्थ है बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये डीएलएड वालों ने पूछ लिया अपने सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में ये पूछ लिया स्वच्छ का अर्थ क्या है, कराए गलत डीएलएड वाले बेचारे घूम गए। साफ बिल्कुल नहीं, सुंदर नाक बिल्कुल नहीं, सुंदर आंख बिल्कुल, सुंदर आंख सुधन अक्ष सु माने सुंदर, अक्ष माने आंख, सुंदर आंख उसे कहते हैं स्वच्छ, ठीक है। स्वच्छ का अर्थ साफ मत कर देना, स्वादिष्ट भोजन भी मत कर देना। तो स्वच्छ का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। स्वच्छ बहुत शानदार शब्द है, ये याद रखेंगे, सुंदर आंख, ठीक है। स्वच्छ का अर्थ क्या है, सुंदर आंख। अब देखो भाई सोलहवां असंगत है, विपुल बहुत, दिव आकाश, उपानह जूता, अवाची पश्चिम, बताओ कौन सा असंगत है, बता दीजिए भाई कौन सा असंगत है इसमें। सोलहवां प्रश्न विपुल का अर्थ बहुत, बिल्कुल सही। दिव का अर्थ आकाश, बिल्कुल सही। उपानह का अर्थ जूता, बिल्कुल सही। ये तीनों ही बहुत आते हैं, ठीक है। और अगला है ये भी बिल्कुल गलत, अवाची का अर्थ पश्चिम नहीं होता। दिशाएं कितनी होती हैं, 10। दिशाएं कितनी होती हैं, 10। टाइम बहुत हो गया, चलो हम 4 पे बात कर ही ले रहे हैं, ठीक है, 10 पे बाद में कर लेंगे। ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। ये कौन सी दिशा है, पूरब। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, ठीक है। अब उत्तर को, ये है पूरब, पूरब को संस्कृत में कहते हैं, पूरब को संस्कृत में कहते हैं प्राची। अरे भैया पूरब को क्या कहेंगे, प्राची, ठीक। और पूरब के जस्ट पश्चिम प्रतीची, ठीक है। और इसे उदीची, उत्तर को क्या कहते हैं, उदीची। और दक्षिण को क्या कहते हैं, अवाची। याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आता है, ठीक है। टाइम कम है तो हम 4 दिशाओं पर ही बात कर ही ले रहे हैं, प्रतीची पश्चिम, यहाँ क्या पूछा है, अवाची पश्चिम, बिल्कुल नहीं। अवाची का अर्थ क्या होता है, दक्षिण। अवाची का अर्थ क्या होगा, दक्षिण, ठीक है। प्राची का अर्थ क्या होगा, पूरब। प्रतीची का अर्थ पश्चिम, उदीची का अर्थ उत्तर, अवाची का अर्थ दक्षिण, है ना, एकदम बनता ना है, लाइक बनता है कि ना बनता है, बिल्कुल बनता है भाई, लाइक तो बनता है। अब करो या न करो, मृग वाहन का पर्याय है कौन सा, पवन, शेर, चंद्रमा, दुर्गा। वाह भाई वाह, प्रश्न तो शानदार है, तो उत्तर भी इसका शानदार होना चाहिए। बताओ 1, 2, 3, 4 जल्दी से बताओ भाई, लेट हो रहे हैं, जल्दी बता दीजिए भाई जी, ठीक है। चलो हम बता ही दे रहे हैं, मृग वाहन का पवन, मृग वाहन का अर्थ क्या है, पवन, ठीक है, पहला विकल्प सही है। अब देखो 18वां, हाँ वारांगना, कितने शानदार प्रश्न है। वारांगना का अर्थ क्या है,
वारांगना का अर्थ क्या है? वैश्या, स्त्री, कमलिनी, इनमें से कोई नहीं। बोलो 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 तो भाई, कौन सा सही है, एक दो तीन या चार? वारांगना का अर्थ बताओ, वारांगना का अर्थ बता दीजिए, बताइए 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 बताइए, बताओ क्या होगा वारांगना का अर्थ? एक किन किन के लिए, एक उत्तर किन के अनुसार सही है, जल्दी से लिखो। एक जिनके अनुसार सही है उनका उत्तर बिल्कुल गलत, दो जिनके अनुसार सही है उनका उत्तर बिल्कुल गलत, तीन जिनके अनुसार सही है उनका उत्तर बिल्कुल गलत, चार जिनके अनुसार सही है उनका उत्तर बिल्कुल सही। अर्थात वारांगना का अर्थ इनमें से कोई नहीं है। अब वारांगना का अर्थ समझ लीजिए, वारांगना का अर्थ होता है वेश्या। क्या होता है? वेश्या, ये है वारांगना का अर्थ। ठीक है, ये है वारांगना का अर्थ, बहुत शानदार। चलो भाई 18 हो गए, दो और देख लो, दो और देखो 19वां। किस समूह के शब्द आपस में पर्याय नहीं है, किस समूह के शब्द आपस में पर्याय नहीं है, नहीं पे कहीं भी ये नहीं लगा है? याज्ञसेनी, कृष्णा, पांचाली, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, दरिद्र, रंक, अकिंचन, भार्या, बल्लभा, बल्लभ। तो याज्ञसेनी, कृष्णा और पांचाली ये द्रौपदी के हैं, बिल्कुल संगत हैं। ठीक है, किनके हैं? द्रौपदी के। अगला है अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, ये सब एक ही हैं। दरिद्र, रंक और अकिंचन एक ही हैं, ये वाला सही हो जाएगा। भार्या और बल्लभा ये तो एक है, और बल्लभ माने होता है पति, बल्लभा माने होती है पत्नी, प्रिया और प्रिय, तो ये पुल्लिंग होता है, ये स्त्रीलिंग होता है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखो 20वां देख लीजिए, द्रव्य का पर्याय है, द्रव्य का पर्याय है, क्या है द्रव्य का पर्याय? धन, दौलत, विभूति, ये सभी, बताओ कौन सा है द्रव्य का पर्याय? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा चौथा, द्रव्य का पर्याय है ये सभी। चलो ठीक, अब हम देखो पीडीएफ लेने के लिए इसकी प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे आप, प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। ठीक, एक बात, दूसरी बात ये कि वार्ता करने के लिए 97 58 43 28 87 ये मोबाइल नंबर है, और हम थोड़ी सी बात करने के लिए समय का अभाव है, दीपक भाई ने एक प्रश्न पूछा था, दीपक भाई का एक प्रश्न था, चलो हम अगली क्लास में बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, मिलते हैं फिर से। ठीक है, राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।